हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आप में से बहुत से मेरे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अपना नया चैनल क्रिएट किया होगा, और बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना चैनल पहले बना दिया है लेकिन उस पर कुछ अच्छे खासे उन्हें व्यू नहीं मिल रहे हैं या उसकी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि आप अपने नए चैनल की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। तो भाइयों, मैं आपको 3 स्टेप बताऊँगा जिनकी वजह से डेफिनेटली आपका चैनल 100% ग्रो करेगा। सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास वो है क्वालिटी और क्वांटिटी। तो अगर आप यूट्यूब पर नए हो तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने चैनल के ऊपर वीडियोस की क्वांटिटी को इम्प्रूव करना चाहिए या उनकी क्वांटिटी को। सो गाइस, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप न्यू कमर हो यूट्यूब पर तो सबसे पहले तो आपको अपनी क्वांटिटी के ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपनी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। आपको हफ्ते में कम से कम 5 या 10 वीडियो तो डालनी चाहिए अपने चैनल पर, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके चैनल पर वीडियो रहेगी आपके चैनल की ग्रोथ होने के चांस उतने ज़्यादा रहते हैं। जब आपके चैनल की अच्छी खासी ग्रोथ शुरू हो जाती है उसके बाद अपनी क्वालिटी के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। तो ये था आपका हमारा स्टेप 1। तो स्टेप 2 हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन में आप अपने चैनल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो अपनी ऑडियंस को, वो डिपेंड करता है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है रिप्रेजेंट करने में, आप अपनी ऑडियंस को क्या दिखाना चाहते हो, लोग आपके चैनल को कैसे देखें, तो 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपका थंबनेल और नंबर 2 पे आपके टैग्स। तो थंबनेल यूट्यूब में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। थंबनेल से आप ऑडियंस को अपनी वीडियो के ऊपर अट्रैक्ट कर सकते हो क्लिक करने के लिए। आपकी वीडियो चाहे उसकी क्वालिटी जैसी भी हो, आपने उसे कैसे भी एडिट किया हो, लेकिन अगर आपने उसका थंबनेल बहुत अच्छा बनाया है तो हो सकता है कि 10 में से 3 या 4 बंदे तो थंबनेल देख के वीडियो के ऊपर क्लिक कर दें, और फिर अगर उनके वीडियो पसंद आती है तो आपके न्यू सब्सक्राइबर हो सकते हैं, आपके व्यूज़ इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो थंबनेल बहुत मैटर करता है, आपको थंबनेल के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा है टैग्स। आपको अपने टैग्स के ऊपर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि टैग्स एक ऐसी चीज़ है जो लोगों तक आपके वीडियो को पहुँचाने में आपकी हेल्प करती है। अगर आप टैग्स सही टैग यूज़ करते हो अपनी वीडियो के लिए, जैसे कि अगर आप गेमिंग वीडियो बनाते हो तो आप अगर गेमिंग के लिए टैग्स यूज़ करोगे गेमिंग वाले, तो गेमिंग ऑडियंस के पास आपकी वीडियो रिकमेंड होगी। लेकिन अगर आप टैग्स ही गलत यूज़ करते हो, आप गेमिंग वीडियो डाल के मूवीज़ के टैग यूज़ करते हो या कुछ किसी और चीज़ के टैग यूज़ करते हो, तो आपकी ऑडियंस प्रॉपर ऑडियंस के पास आपकी वीडियो नहीं जाएगी। तो आपको टैग्स और थंबनेल दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 3 में आपको अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप न्यू कमर, आपको इतना दिन की 10 वीडियो ऐसे खुद से एडिट करके डालने का मन नहीं, चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर आप अपना गेमिंग चैनल बना रहे हो तो आपको गेमिंग हाईलाइट्स का चैनल बना दो। आप गेमिंग हाईलाइट्स अपलोड करो, दिन की कम से कम 3 या 4 गेमिंग हाईलाइट अपलोड करो। किसी पॉपुलर स्ट्रीमर की हाईलाइट यूज़ करो थंबनेल में, उसकी इमेज का यूज़ कर लो ताकि उसकी ऑडियंस तक आपकी वीडियो पहुंचे, तो आपका जल्दी चैनल ग्रो होगा। नंबर 2, अगर आपको हाईलाइट्स भी नहीं डालनी है तो इस टाइम 2022 में यूट्यूब में शॉर्ट्स अगर आप डेली के अपने चैनल पर डालते हो तो आपके चैनल के ग्रो होने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शॉर्ट्स यूट्यूब खुद प्रमोट करता है। तो आपको इतनी ज़्यादा एज सच मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए या फिर उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग उसके ऊपर क्लिक कर सकें। तो आपको शॉर्ट्स, फनी शॉर्ट्स हो गए, आपके गेम प्ले के शॉर्ट्स हो गए या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। आप किसी बड़े स्ट्रीमर के शॉर्ट्स क्लिप्स शॉर्ट्स में कन्वर्ट करके भी उसे यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप ये 2 चीज़ें भी करते हो तो ये भी आपके चैनल को बहुत जल्दी ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सकती है। जब आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो हो जाए, उस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर आ जाएँ, व्यूज़ अच्छे खासे आ जाएँ, तो आप धीरे धीरे अपने चैनल को अपनी वीडियो डाल के ऑडियंस को अपनी तरफ कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये 3 स्टेप हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं 2022 में अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में। तो आई होप आपको अच्छे लगे हो। अगर आपको सच कुछ और हेल्प चाहिए या फिर आपको जानना है कि आप थंबनेल कैसे एडिट कर सकते हो या फिर आप टैग कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियो में, तो आप कमेंट्स में बता दें, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो लेकर आपको बता दूंगा। लेकिन ये अगर 3 स्टेप आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका यूट्यूब चैनल 2022 में जरूर ग्रो करेगा। Okay, bro, go, go.